तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में प्रशांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे इस कोर्स को इनरोल किया। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल सबसे पहले इसको जानते हैं कि बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये आखिर इसका यूज क्या है, ऑफिस में क्या करता है। हालांकि इसको जानते हैं, लेकिन कई बार मुझे भी किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो मैं भी थोड़ा सा अशक पका गया था एक सही सटीक आंसर देने। अब आपसे पूछा कि आप एक्सेल के साथ क्या करते हो, तो बहुत ऐसा जवाब निकल जाता है, लेकिन एक सटीक जवाब जो सारे आंसर और उनके क्वेश्चंस को खत्म कर दे, ऐसा एक सटीक जिसको हम परिभाषा कह सकते हैं। तो इस चीज को जान लीजिए कि आप एक्सेल से ऑफिस में करते क्या या क्या करेंगे। देखिए, एक्सेल जो है डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है पहला, बट दिस इज नॉट ए डेटाबेस। क्यों? एक जो इसकी साइज फिक्स है, सबसे पहले इसकी साइज फिक्स है कि 10 लाख रो एक सीट में आ सकती है, और जैसे आप ये 2 या 2.5 लाख से ऊपर बढ़ते हैं आपका एक्सेल काफी हैंग होने लगता है, डेटा करप्ट हो सकता है, इसकी पासवर्ड को कोई भी तोड़ सकता है, फाइल को कोई भी डिलीट कर सकता है। सो दिस इज नॉट ए डेटाबेस, बट डेटा स्टोर की जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे खामियां मैंने बता दिया, तो फिर डेटा स्टोर क्या होगा इसमें? तो डेटा स्टोर करने के लिए यहां पे कई सारे गाइडलाइन है। सबसे पहला आता है आपका मिसलेनियस डेटा, राइट? मिसलेनियस डेटा, जैसे मान लीजिए कि आप टैबलू छोड़ दिए, मान लीजिए आप टैली यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, या फिर आप ईआरपी यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, आप अकाउंट में काम करते हैं अकाउंटिंग के लिए आप ईआरपी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ईआरपी यूज करने के बाद भी आप जो है एक्सेल में यूज डेटा रखेंगे, कौन सा डेटा? जैसे मान लीजिए ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे होता है ना, पेटी कैश, अब 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई है, 3 रुपए की चाय पिलाई है, 100 रुपए का कन्वेंस आपने दिया है, अब इसके लिए ईआरपी में और टैली में नया लेजर थोड़ी क्रिएट करें। वहां हम जस्ट एक लेजर क्रिएट करेंगे पेटिकस का, और हम पूरा इन और आउट डाल देंगे, लेकिन क्या क्या खर्चे किया है उसका पूरा हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे हिसाब को एक्सेल में रखेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आप पेरोल सिस्टम आपका है, पेरोलिंग का सिस्टम है आपके पास, पेरोल के लिए आप पेरोल्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप अटेंडेंस जो है आप एक्सेल पर रखना प्रेफर करते हैं। अगर बात करें डेटाबेस की तो इस्तेमाल करने की, ऐसे नहीं, शॉर्ट मिड इंटरप्राइज, जैसे मुझे जैसे छोटे मोटे लोग जो है जिनके पास डेटा के साइज बहुत कम होता है, सिंगल पीसी पे वर्क करते हैं, सिक्योरिटी का दिक्कत नहीं है, वो लोग एक्सेल को एज ए डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा आता है, फिर ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में एनालिटिक्स डेटा इस्तेमाल होता है। एनालिटिक्स डेटा इट मींस, जैसे कि आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी एक रिपोर्ट अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो कोई भी एक रिपोर्ट बनता है तो उस रिपोर्ट का जो डेटा है वो तो बैकएंड में तो होगा ना होगा, रखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कंपेयर रिपोर्ट हमने बनाया हुआ, बट इस रिपोर्ट का डेटा तो यहाँ अवेलेबल है ना सर, क्या? लेकिन ये डेटा कहीं और से उठ के आया, लेकिन हमें एक्सेल पे होल्ड करना पड़ेगा ताकि हमारी रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंग वर्क करे। अगर मैं मान लीजिए अपने डैशबोर्ड पे कोई ऐसा की सिलेक्ट करता हूँ, पैरामीटर सिलेक्ट कर, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना अकाउंटिंग का ले लिया, अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया, तो मेरा रिपोर्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। तो इसने डेटा को कन्वर्ट किया ना, डेटा के अकॉर्डिंग वर्क किया ना, तो डेटा इसके लिए होना चाहिए। तो ऑफिस में हम अपने ईआरपी से डेटा डाउनलोड करके एक्सेल पे लाते हैं ताकि उस पर हम एनालिसिस कर सके, उसको समराइज कर सके, उस पर रिपोर्ट क्रिएट कर सके। तो पहला स्टेप था डेटा स्टोरेज, क्लियर है आपको सर? हेलो, यस 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 यस। दूसरा आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से बेटर कुछ भी नहीं है जहां तक मेरा रिसर्च करता है। क्यों?
क्योंकि अगर आप बात करें एसक्यूएल की बात करें और क्योंकि आप पावर बीआई की बात करें टैब्लू की बात करें तो कैलकुलेशन फील्ड टू फील्ड होता है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, सेल टू सेल कैलकुलेशन होता है। सेल टू सेल कैलकुलेशन एक सिंगल इसमें हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है, क्वार्टर वन है क्वार्टर टू, क्वार्टर में 25, क्वार्टर टू में मान लीजिए 27 है, ग्रोथ निकालना। तो यहाँ पे इजीली हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट और हमारा कैलकुलेशन हो। इसके अलावा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन है, फॉर्मूले इसका इस्तेमाल कर सकते। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशंस के लिए इससे अच्छा कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं, और तीसरा बात करते हैं हम एनालिसिस के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए। एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एनालिसिस तो समझ में आता है कि अभी जैसे हमने रिपोर्ट आपको दिखाया तो हमने एक एनालिसिस तैयार किया कंपेयर, ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अनदर डिपार्टमेंट से या ओवरऑल से हम कंपेयर कर सकते हैं। बट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह तो हम पावर बी आई पावर टू बट फ्री करते हैं ना सर, बट हम बात कर रहे हैं डायनेमिक रिपोर्ट। अब जैसे रिपोर्ट है, अगर आपने मान लीजिए अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, हमने अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, तो वहां अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, बहुत से सर पूछा यार एक काम करो फाइनेंस का तैयार करो, आपको फिर से उस बार मेहनत करना पड़ेगा, फिर से फाइनेंस का प्रेजेंटेशन तैयार करना हो। बट एक्चुअल में क्या है, आपने अकाउंटिंग का पूरा रिपोर्ट तैयार किया हुआ है और आपको आपने पूछा गया फाइनेंस, फाइनेंस पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया और रिपोर्ट कन्वर्टिंग एंड विद इन सेकेंड में आपका फाइनेंस का पूरा एनालिसिस तैयार। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है कि हम रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट डायनेमिक रिपोर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन एक्सेल के थ्रू करें तो बेटर होता है। आपका क्या सर कहना है इस पे प्रशांत जी? यस बोलिए बोले क्या? जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑफिस की जो प्रॉब्लम है, ऑफिस सॉरी कोई भी प्रेजेंटेशन है डायनेमिक रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन, वो एक्सेल पे बेटर होता है। यस करेक्ट, ओके करेक्ट है बराबर। अब तीसरा इसमें जो तीसरा आ गया, चौथा आता है वो आता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या है बता दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। अगर ये नहीं होता तो एक्सेल का फॉर्मूला नहीं। अब देखिए एक्सेल पे जो आप डैशबोर्ड तैयार करते हैं, जैसे अगर मैं एक्सेल में कोई एक सिस्टम कोई एक डैशबोर्ड का सैंपल मैं दिखाता हूँ, डैशबोर्ड इमेज पे आता हूँ मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए डैशबोर्ड है, दिख रहा है आपको सर डैशबोर्ड? दिख रहा है। अब एक्सेल में इस डैशबोर्ड को तैयार करने में कम से कम आधा से एक घंटा का टाइम लगेगा, इसको तैयार करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट पावर बी आई इसी चीज को, इसकी बात करें तो पावर बी आई इसी चीज को विथ इन मिनट में या दो मिनट तो नहीं, मिनट बहुत फास्ट हो जाएगा, 5 मिनट में इसी रिपोर्ट पे एक से डेढ़ घंटा लगेगा इसको तैयार करने। बट इसी रिपोर्ट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में तैयार कर देगा सर, 5 से 10 मिनट बहुत है इसके लिए। अच्छा समझे? समझ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर पावर बी आई पे रिपोर्ट बनी है तो उसको देखने के लिए थर्ड पर्सन किसी को आपने भेजा हुआ है उसके पास ही पावर बी आई ही होना चाहिए, अदरवाइज वो सिंपल पीडीएफ कॉपी में रिपोर्ट को देख सकता है या वेब वर्जन पे देख सकता है। अब क्या लग रहा है आपको, सबके पास पावर बी आई होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एक्सेल पे जो भी रिपोर्ट दिखाया ये रिपोर्ट मैं आपको भेजू तो मैं श्योर हूं कि आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, क्योंकि यार 90% चांस है कि आपके सिस्टम में एक्सेल होगा।
अगर मान लीजिए सिस्टम में बाई चांस एक्सेल नहीं है तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे ओपन आरजी और सिंफनी जैसे सॉफ्टवेयर होगा, एक्सेल व्यूअर मान लीजिए वो भी नहीं है तो आपको मेल पे जैसे कोई फाइल आपको मिला तो मेल पे ही आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जैसे मिला आपको तो इसी पे क्लिक करके ओपन कर सकते, नो नीड टू एनी एप्लीकेशन, समझ गए? क्या बोले आप? तो ये चार स्टेप है, अगर बोल रहे हैं कि नो नीड टू एनी एप्लीकेशन, अगर आपको मेल किया आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन नहीं है तो एक फाइल को गूगल मेल पे देख सकते हैं, गूगल शीट पे या मेल पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए? हां समझ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी कैन यूज द एक्सेल फॉर डेटा स्टोरेज कैलकुलेशन एनालिसिस एंड एनालिसिस रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा शेयरिंग रिपोर्ट डेटा रिपोर्ट शेयरिंग, सिंपल सी बात बोल सकते हैं। अगर आपको और भी सटीक आंसर चाहिए तो सिंपल से कह सकते हैं एक्सेल इज अ डिजिटल रजिस्टर, क्योंकि जब एक्सेल नहीं था अब इमेजिन करेंगे आज से 25-30 साल पहले जब सिस्टम कंप्यूटर्स नहीं थे, हालांकि उस समय तो मैं काफी बच्चा था, तो उस समय सारा काम किससे होता था, हर रजिस्टर में हर ऑफिस में एक रजिस्टर हुआ करता था और हर चीज का लेन देन हर चीज का हिसाब किताब उस रजिस्टर में होता, जो भी आप काम करते हैं वो सारा अभी सिस्टम पे वो सारा काम रजिस्टर पे हुआ होता था। बराबर, सिंपल सा रजिस्टर उठा के यहाँ पर रख दिया गया। बराबर, आप कितना और यहाँ साथ से बोल रही आप कितना भी अलग अलग सॉफ्टवेयर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें आपको दिन में कभी ना कभी एक्सेल यूज करना ही पड़ेगा। बराबर, क्योंकि एक्सेल में फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सके। अब मान लीजिए ना कि आप एक नया शीट जनरेट करके नया फॉर्मेट तैयार करना है, अब आपका ईआरपी आपको थोड़ी देगा, अलाउ थोड़ी करेगा, क्योंकि ईआरपी तो डेवलपर जो है वो टेबल क्रिएट कर सकता है, सिस्टम क्रिएट कर सकता है। बराबर, बट यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन, अगर हम डेटा को सही ढंग से सिलेक्ट करें तभी हमारा आगे का काम हो सकता है। जैसे मुझे अगर कोई डेटा कोई अगर मान लीजिए पिवट अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, शॉर्टिंग अप्लाई करना है, सो नीड टू सिलेक्ट द डेटा। तो डेटा को सिलेक्ट करने की कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको शेयर करना है, कुछ चीजें तो पता होगी आपको लेकिन मुझे अंदाजा है कुछ चीजें आपके लिए नहीं होगी। अगर इस डेटा को सिलेक्ट करना है सिंपल सा, तो आप अगर कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ एरो की लेके आएंगे नीचे की तरफ क्या, या माउस से सिलेक्ट करेंगे तो क्लिक करते होल्ड करते हुए लाएंगे इस तरह से। अब कुछ तरीके हैं जान लीजिए डेटा को सिलेक्ट करने के, जैसे माउस से सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और सबसे लास्ट में अच्छा इस पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए। अच्छा आ गया सर, आ गया सर। दूसरा, अगर आप मान लीजिए सिस्टम भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल ए कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए कंट्रोल ए दो बार किए तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब पूरी सीट आपको माउस से सिलेक्ट करना है तो वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल उस पे क्लिक करें। अच्छा, देखिए कुछ खास कुछ खामियां भी जैसे आप कंट्रोल ए की बात, तो अगर मान लीजिए बीच में कुछ ब्लैंक कॉलम है, अब मैं कंट्रोल ए करता हूं तो ब्लैंक कॉलम से पहले वाला डेटा सिलेक्ट होगा, इसके बाद वाला डेटा सिलेक्ट नहीं, समझ गए? समझ गया। तो लेकिन पूरी की पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, अगर बीच में कुछ डेटा डला हुआ है उसके बाद सिलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो पूरा सिलेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने की, जैसे बहुत बड़ा डेटा हो तो मुझे सबसे लास्ट पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करें, कंट्रोल प्रेस करें साथ पे डाउन एरो तो डाउन में आएंगे, तो सीरीज करता है, जैसे यहां से मैं डाउन किया तो जहां तक फिल का सीरीज आ रहा है वहां तक पहुंच जाएगा, फिर वापस हमने कंट्रोल के साथ डाउन यूज किया सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। अब कंट्रोल के साथ राउट के राइट राइट में डाउन के डाउन में लेफ्ट अप इस तरह। लेकिन अगर डेटा ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक है आपको, यहाँ पे ब्लैंक है तो नहीं ऊपर ही रह जाएगा। एक बार और फिर कीजिए फिर कीजिए फिर कीजिए। अगर चलिए तो छोटा डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास काफी बड़ा डेटा होगा तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ जाता है, हो जाता है ना सर बराबर। अब बीच में बहुत ब्लैंक है तो मैं अगर कंट्रोल के साथ नीचे लेके जाऊं यहाँ 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 यही पे ऊपर रह जा रहा है, रह जा रहा है सर यस समझ। तो उस केस में क्या करें, तो यहाँ पे A6500 करके इंटरफेस मतलब ये 65,000 पे चले जाए सबसे लास्ट में, इस कंट्रोल के साथ आप एरो यूज करें, कंट्रोल के साथ आप एरो ऊपर पहुंच जाएगा सबसे लास्ट में आ गया सर। दोबारा देखिए सर ये आप यहाँ नेम बॉक्स में आए, ये देखिए 65,000 टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो 65,000 जगह पे आप 10,00,000 भी कर सकते हो, 2,00,000 5,00,000 भी कर सकते हो। अब देख रहे डेटा के आप कितना ज्यादा है उसी हिसाब से फिर कंट्रोल के साथ आप यूज करें ऊपर पहुंच जाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। इसमें अगला जो बात अब पर्सन आते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए कि सिलेक्ट करते हुए आना है, मुझे इसको सिलेक्ट करते हुए आना है, मुझे कंट्रोल ए नहीं करना है। कंट्रोल ए करने के पीछे रीजन क्या है ना करने के पीछे, जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ ब्लैंक्स है इस तरह। अब कंट्रोल ए उसको भी सिलेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल सी के साथ राइट में एंड डाउन जाना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। ठीक है पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है कैसे करें, मुझे कुछ कुछ डेटा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल सिलेक्शन में दिक्कत है, जैसे आपने कई आपको फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है तो वो ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कॉपी करना है तो आप एक ही ध्यान देंगे कि आपको अगर आपने अगर इस तरह से मल्टीपल कहीं कहीं क्लिक कर लिया तो आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए सिक्वेंस होना चाहिए, जैसे ए जैसे मान लीजिए आपने ए बी सी किया है तो नीचे आपको भी आपको ए बी सी करना होगा तभी आप कॉपी पेस्ट कर सकते। जैसे मैंने हमने यहाँ पे ए कर लिया डी कर लिया ई कर लिया के कर लिया, अब इसको कॉपी कर सकता हूँ। अगर नीचे मान लीजिए 5 नंबर रो में सिर्फ ए कर लिया तो हम कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा मुझे डी इक्वल जी एंड एफ बी सेलेक्ट करना होगा, सीक्वेंस में होना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए सेम, देन वी विल कॉपी। सर अब मल्टीपल सेल्स की बात हो रही है तो मेरे पास मल्टीपल शीट सिलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ एक बार में सारे शीट को सिलेक्ट करूँ तो मैं पहले शीट पे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करूंगा, सबसे लास्ट पे क्लिक करूंगा, सारा शीट सिलेक्ट हो गया, ऊपर ग्रुप लिखा हुआ आ गया, इसके ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है। अब मैं कुछ भी करूंगा, जैसे मैंने यहां पे डेट लिखा
और यहां पे डेट डाला, तो आपका जो डेट है हर एक सीट के सेम लोकेशन में दिखेगा। तो अगर कोई चीज कॉपी पेस्ट करना है और आपको यार टाइप करना है हर सीट के सेम लोकेशंस में, तो आप सीट के साथ सबसे लास्ट में सेलेक्ट करें एंड यू कैन राइट एंड कॉपी पेस्ट। एवरी सीट में वो चीज अप्लीकेबल होगा। ये हमारा था सिलेक्शन मेथड, कि हम डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा मेथड था। समझ आया सर आपको?